जनचेतना संस्था धर्मशाला की बैठक में कांगड़ा एयरपोर्ट विस्तारीकरण, सेंट्रल यूनिवर्सिटी का स्थायी कैंपस और स्मार्ट सिटी को लेकर चर्चा की गई। वहीं नगर निगम प्रशासन से शहर में जगह जगह लगे गंदगी के ढेरों से निजात दिलाने की मांग की गई। बैठक की अध्यक्षता करते हुए संस्था के अध्यक्ष एस सी धीमान ने कहा कि वर्ष 2009 से धर्मशाला में सेंट्रल यूनिवर्सिटी चल रही है, लेकिन अभी तक इसे स्थायी कैंपस नहीं मिल पाया है। जनचेतना संस्था धर्मशाला की बैठक में कांगड़ा एयरपोर्ट विस्तारीकरण, सेंट्रल यूनिवर्सिटी का स्थायी कैंपस और स्मार्ट सिटी को लेकर चर्चा की गई। वहीं नगर निगम प्रशासन ने शहर में जगह जगह लगे गंदगी के ढेरों से निजात दिलाने की मांग की गई। बैठक की अध्यक्षता करते हुए संस्था के अध्यक्ष एस सी धीमान ने कहा कि वर्ष 2009 से धर्मशाला में सेंट्रल यूनिवर्सिटी चल रही है, लेकिन अभी तक इसे स्थायी कैंपस नहीं मिल पाया है। हम चाहते हैं कि सीएम शीघ्र अतिशीघ्र सीयू का निर्माण कार्य शुरू करवाएं। शिलान्यास को भी एक साल का समय बीत चुका है। जनचेतना संस्था इसमें सरकार का पूरा सहयोग करेगी। कांगड़ा एयरपोर्ट विस्तारीकरण पर भी संस्था सरकार का सहयोग करेगी तथा पर्यटन की दृष्टि से इस दिशा में कार्य किया जाना चाहिए। धर्मशाला स्मार्ट सिटी और नगर निगम में जगह जगह गंदगी के ढेर लगे हुए हैं। संस्था की मांग है कि शहर के कचरे का उचित समाधान करें, धर्मशाला शहर को नगर निगम स्वच्छ सिटी के रूप में विकसित करें। जनचेतना संस्था के अध्यक्ष एस सी धीमान ने कहा कि जब भी कोई बड़ा प्रोजेक्ट आता है तो उसका विरोध होता है। सरकार विरोध की तरफ ध्यान न देकर कांगड़ा एयरपोर्ट का विस्तार करे। विपक्ष का काम है विरोध करना, लेकिन सरकार को देखना है कि काम कैसे करना है। स्थानीय विधायक और सांसद भी चाहते हैं कि कांगड़ा एयरपोर्ट का विस्तार हो। हमारी जनचेतना का मानना है कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो कि 21 फरवरी 2019 को जिसकी स्थापना की शिलान्यास रखा गया था जदरांगल में, अभी तक एक वर्ष में उसमें कोई भी कार्य जो है वो प्रगति पर नहीं हुआ है। तो जनचेतना ये चाहती है कि उस कार्य को अतिशीघ्र जो है वो पूरा किया जाए और जनचेतना सरकार का हर कदम पर समर्थन करेगी। दूसरा बुंदा जिसके ऊपर यहाँ जनचेतना के आज की मीटिंग में विस्तार से चर्चा हुई वो थी कि कांगड़ा एयरपोर्ट जो है उसका विस्तारीकरण किया जाए। जो लोग विस्थापित होंगे उन्हें उचित स्थान पर जो है वो उनका बसाया जाए, और इससे होने से क्या होगा कि धर्मशाला और उसके आसपास के क्षेत्र जो हैं उनकी इकोनॉमी जो है वो बढ़ेगी तथा पर्यटन जो है वो भी पर्यटन का भी बढ़ावा होगा। जब भी कोई विकास होता है उसमें किसी न किसी प्रकार की विरोध होता ही है, परंतु सरकार का ये कर्तव्य बनता है कि उन विरोधियों को भी अपने साथ ले और अपने साथ लेकर कार्य करे ताकि विरोधी जो हैं वो भी सरकार के काम में सहयोग करें। स्मार्ट सिटी में सबसे बड़ा मुद्दा जो है वो है गार्बेज कलेक्शन का। सारे नदी नाले गलियां कूड़े से भरी पड़ी हैं। हमारा स्मार्ट सिटी के सीईओ के से भी इस बारे में विस्तृत जानकारी हुई थी और उन्हें हमने एक मेमोरेंडम दिया था तथा उन्हें कहा था कि इसको अतिशीघ्र जो पूरा किया जाए। हम उम्मीद करते हैं कि जो है कॉरपोरेशंस इस मुद्दे पे जो है वो काम करेगी और धर्मशाला की जो 5 या 10 साल पहले जो नदियां नाले और सड़कें के किनारे जो साफ़ सुथरे थे वैसे ये साफ सुथरे करने में सभी का सहयोग लेंगी और इसको बहुत ही अच्छे ढंग से इसको एक स्मार्ट सिटी के रूप में जो विकसित कर